हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज देखने जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो साथ में मिलके इलेक्शंस में पार्ट लेती है और फिर जीतने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करती है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं। पार्टीज अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम सामने रखती हैं और जिस भी पार्टी के प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं, लोग उन्हें उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वोट देकर पावर में लाते हैं और फिर गवर्नमेंट का रोल उन सभी प्रोग्राम्स और वादों को पूरा करना होता है। और जो पार्टी हारती है वो रूलिंग पार्टी का अपोजिशन करती है और उनकी गलतियाँ निकालती है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स दैट कैन एग्जिस्ट इन अ कंट्री। फर्स्ट इज वन पार्टी सिस्टम। यहाँ पर रूल करने के लिए एक ही पार्टी अलाउड रहती है, एग्जाम्पल चाइना। टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पर मेनली दो बड़ी पार्टीज होती हैं और उनके बीच में ही इलेक्शन होते हैं, एग्जाम्पल यूएसए। मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज कॉम्पीट करती हैं और जो जितनी ज़्यादा सीट्स जीतता है वो गवर्नमेंट बनाता है। अगर कम पड़ जाए तो दो पार्टीज हाथ मिला के अलायंस बनाती है और साथ में रूल करती है, एग्जाम्पल इंडिया। इलेक्शन कमीशन। इंडिया की सारी पार्टीज को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन सारी पार्टीज को एक जैसा ट्रीट करता है, लेकिन बड़ी और वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टीज को स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है और हर पार्टी को एक स्पेशल सिंबल दिया जाता है और उसे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। स्टेट पार्टीज। एक ऐसी पार्टी जो कम से कम एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स का 6% और कम से कम 2 सीट्स जीत जाए उसे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी कहा जाता है। नेशनल पार्टीज। एक ऐसी पार्टी जो लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% और एटलीस्ट 4 सीट जीते उसे नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसको 1885 में फाउंड किया गया था। इस पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स में नेशनल और स्टेट लेवल पे बहुत बड़े रोल प्ले किए हैं। भारतीय जनता पार्टी, ऑल्सो नोन एज BJP। इस पार्टी को 1980 में भूतपूर्व भारतीय जन संघ पार्टी को रिवाइव करके बनाया गया था। इस पार्टी का मेन मोटिव इज टू डू टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी कंशीराम की लीडरशिप में 1984 में फॉर्म हुई थी। इस पार्टी का मेन मोटिव बहुजन समाज के लोग जैसे कि दलित्स, आदिवासीज और ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनकी पावर को सिक्योर करने में हेल्प करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट्स। फाउंडेड इन 1964, ये पार्टी मार्क्सिज्म फॉलो करती है जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स की, जो कि कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच के स्ट्रगल पर फोकस करती है। ये डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को सपोर्ट और कम्युनिज्म को अपोज करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1925, मार्क्सिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी 1999 में कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट की वजह से क्रिएट हुई थी। ये गांधीयन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और फ्रीडम को सपोर्ट करती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ये पार्टी 1988 में ममता बनर्जी की लीडरशिप में फॉर्म की गई थी। ये पार्टी सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। बंगाल में 2011 से ये पार्टी प्रेजेंट है। चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती है, जैसे डिसीजंस लेने से पहले सारे मेंबर्स से नहीं पूछा जाता, पावर टॉप लीडर्स के हाथ में ही रहती है, मेंबर्स का कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। डायनेस्टिक सक्सेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें लीडर्स अपने फैमिली मेंबर्स को ही अपनी जगह पर बिठाते हैं, उसको नहीं जो असल में उसको डिजर्व करता है। ये लोग मनी और मसल पावर का यूज करते हैं, फेक वोट्स डलवाते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं और अपने पैसे की वजह से इलेक्शन जीतते हैं, न कि काम की वजह से। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कई ऑर्डर्स पास किए, जैसे कि अगर कोई MLA या MP अपनी पार्टी चेंज करता है तो वो अपनी लेजिस्लेटिव की सीट खो बैठेगा। और इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारे रूल्स बनाए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होगा, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि 1/3 टिकट वुमेन्स के लिए होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए भी लॉज बनने चाहिए।
दोस्तों मैंने अभी तक नेशनलिज्म इन इंडिया, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के वीडियो डाल दिए हैं और इंग्लिश के लगभग सारे चैप्टर डाल दिए हैं, तो आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।